दोस्तों रिव्यू करने के इस वीडियो में जीथियम 200 एमजी सिरप के बारे में, जीथियम डीएस सिरप के बारे में, भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ जो दिखेगा। देखिए जीथियम डीएस सिरप एक ब्रांड नेम है एलकेएम कंपनी का, एलकेएम कंपनी बनाती है इसको, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों लगभग हर दुकान पर आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। बात ना भाई कहाँ दी जाती है, तो देखिए ये एक साल से लेके चार साल पाँच साल तक के बच्चे को दी जाती है। इसके अंदर आता है एजिथ्रोमाइसिन 200 मिलीग्राम में, डीएस है डबल स्ट्रेंथ यानी 200 मिलीग्राम में। तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया के कारण होने वाली प्रॉब्लम में दिया जाता है, जैसे कि कोल्ड की प्रॉब्लम, फ्लू की प्रॉब्लम, नाक से पानी आना, नाक बंद रहना, बहुत छींकी आना, गले में इन्फेक्शन होना, गले में टॉन्सिल प्रॉब्लम, स्वेलिंग वगैरह, खरखर रहना, सूजन आना, वहाँ दी जाती है। कफ़ की प्रॉब्लम हो, कफ़ की प्रॉब्लम में खांसी की प्रॉब्लम भी दी जाती है, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन है बच्चे के वहाँ पर भी काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों आँख में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में भी काम करती है, तो इनके अलावा भी कई सारे इन्फेक्शन में काम करती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को भी बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, जिससे कि वो सारे सारे एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। जान लें अगर डोज के बारे में, तो दोस्तों 5 ml रात को दी जाती है, 3 से लेकर 5 दिन तक कंटिन्यू दी जाती है, और ये जो डोज होती है दोस्तों एग्जैक्ट डोज बॉडी वेट देख के बच्चे का, बच्चे की उम्र देख के डॉक्टर बता देते हैं। बात करें भाई साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, वोमिटिंग हो जाना बच्चे के, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे को नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी ये है कि डॉक्टर की सलाह से दीजिएगा, देने के बाद अगर बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उसके बारे में डॉक्टर को बता दीजिएगा। तो इतना संपूर्ण रिव्यू, वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझ में आए हो अगर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं।